वेलकम टू एस पी स्टडी पॉइंट। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एस पी स्टडी पॉइंट में। मैं सोनू आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की इस क्लास में मैं बात करूंगा फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री पर, जिन पर हम आज कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। जैसे कि टॉपिक वाइज मैंने MCQ टाइप प्रश्न करा दिया था और आज से हम थ्योरी की क्लास स्टार्ट करेंगे। मैंने मॉडल पेपर आप लोग को दे दिया है और इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी इस वीडियो में मैंने बता दिया था, ठीक है। तो आप पिछली यानी प्रीवियस क्लास को देख लीजिएगा, तभी ये वीडियो समझ में आएगी, ठीक है। यानी आज की इस क्लास में हम रिजोनेंस स्ट्रक्चर पर बात करेंगे। रिजोनेंस क्या है और रिजोनेंस एनर्जी क्या होती है, यानी अनुनाद क्या है और अनुनाद एनर्जी क्या है, ठीक है। इस पर आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक निवेदन करना चाहूँगा। दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर देंगे और साथ ही साथ क्लास का नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे, इसलिए आप लोग को बेल आइकन प्रेस करना है, ठीक है। दोस्तों आज की क्लास में हम डिस्कशन करेंगे 2021 और 22 के अनुसार जो नवीनतम पाठ्यक्रम है आपका, यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है आपकी, इसी के हिसाब से फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री BSc फर्स्ट ईयर के टॉपिक पर। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में थोड़ा सा मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं। आप लोग का कमेंट, काफ़ी लोग का कमेंट आया है कि सर थोड़ा सा मैं एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में डिस्कस कर दीजिए। तो एग्ज़ाम पैटर्न आपका जो होने वाला है वो नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार रिटर्न होने वाला है, ठीक है। MCQ टाइप प्रश्न जिनके भी यूनिवर्सिटी में हो रहे हैं उनके लिए MCQ की क्लास चलाई जाएगी। वैसे ही फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री के इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक का टॉपिक हमने MCQ डिस्कस कर दिया है, जिसका आपको प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगा, आप वहां से वो सारी चीज़ें क्लियर कर लीजिए। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे आप लोग, टेलीग्राम चैनल आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन कर सकते हैं या आप लोग टेलीग्राम पर सर्च करेंगे SP स्टडी चैनल फर्स्ट, ठीक है। SP स्टडी चैनल फर्स्ट सर्च करेंगे और वहां से आप ज्वाइन कर लेंगे। वहां से आपको सारे क्लास का PDF मिल जाएगा और वहाँ से आपको नोट्स भी मिलता रहेगा, ठीक है मित्रों। तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि आपका फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम हम लोग बात कर रहे हैं, फर्स्ट सेमेस्टर की BSc फर्स्ट सेमेस्टर के इम्पॉर्टेंट प्रश्न की और इम्पॉर्टेंट टॉपिक की। तो वो मैंने प्रीवियस वीडियो में बता दिया था, प्रीवियस क्लास में आपका डिस्कशन हो गया था। आज हम स्टार्ट करेंगे जो आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक था आपके मॉडल पेपर से। पहला क्वेश्चन था रिजोनेंस, व्हाट इज राइट ए शॉर्ट नोट ऑन रिजोनेंस, ठीक है। अनुनाद पर एक शॉर्ट नोट लिखना था, तो पहले अनुनाद को हम क्लियर कर लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास फंडामेंटल केमिस्ट्री BSc फर्स्ट ईयर। देखिए आपका जो पहला चैप्टर है वो है मॉलिक्यूलर पोलैरिटी एंड वीक केमिकल फोर्सेस। मित्रों आज की क्लास हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगी, तो आप लोग बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है आप लोग को, ठीक है। मॉलिक्यूलर पोलैरिटी एंड वीक केमिकल फोर्स, यानी कि मॉलिक्यूलर पोलैरिटी आणविक ध्रुवीयता तथा दुर्बल रासायनिक बल आपका जो पहला चैप्टर है, इससे आपके पहले चैप्टर से लगभग लगभग ये इनऑर्गेनिक का टॉपिक है और यहाँ से 20% क्वेश्चन बनने हैं आपके 5 नंबर के क्वेश्चन में, और यहाँ से एक क्वेश्चन 7.5 नंबर का बन जाता है और 1 नंबर में 2 प्रश्न बनते हैं, ठीक है। तो कुल मिला के आप ये मानकर चलिए कि होल सिलेबस के अनुसार 30% क्वेश्चन आपके फर्स्ट चैप्टर से आने हैं। चलिए अब हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर पोलैरिटी और वीक केमिकल फोर्स के बारे में। थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन देखेंगे आखिर में, इंट्रोडक्शन में यानी कि आणविक ध्रुवीयता तथा दुर्बल बल में होता क्या है और फिर हम रिजोनेंस समझते हैं रिजोनेंस क्या है। देखिए इसमें होता क्या है, इंट्रोडक्शन में समझना है द थ्योरी यानी दस इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ बैलेंसी वाज ओरिजिनली गिवन बाय कौसल एंड लुइस इन 1961। देखिए ये इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी यानी ये इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस थ्योरी जो है वो कौसल और लुइस के द्वारा 1961 में क्या की गई थी, दी गई थी। ये थ्योरी दिस थ्योरी वाज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट ऑफ एटम, यानी कि ये थ्योरी पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट यानी कि किसी भी एटम के
एटम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट पर बेस है। कौन सी थ्योरी? जिसमें आपको रिजोनेंस और रिजोनेंस स्ट्रक्चर पढ़ना है, यानी कि अनुनाद जो पढ़ना है, जो आपका आविक ध्रुवीयता होता है और दुर्बल रासायनिक बल हैं, यानी कि ये होल थ्योरी किस पर बेस है? ये एटम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। ठीक है, तो इतना बात आप लोग को समझ में आ गई। चलिए जल्दी से कमेंट करके आप सभी लोग बताइए क्या इतनी बात आप लोग के समझ में आ गई। चलिए आगे बात करते हैं। दिस थ्योरी वाज बेस्ड अपॉन फॉलोइंग फैक्ट्स, यानी कि ये थ्योरी जो है वो फॉलोइंग फैक्ट्स को फॉलो करती है, और ये फॉलोइंग फैक्ट्स क्या रहेंगे इनको आपको ये देखना है और समझना है। अगर आपको इतनी बात समझ में आ जाएगी फिर आपको आगे कोई दिक्कत नहीं होगी रिजोनेंस समझने में। चलिए पहला देखते हैं, दिया गया है द बैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट, द बैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल ऑफ इट्स एटम। यानी कि यह द बैलेंसी ऑफ एलिमेंट, यानी किसी भी एलिमेंट की बैलेंसी जो है वो क्या करेगी, वो डिपेंड करेगी किस पर, किसी भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के जो आउटर मोस्ट सबसेल में एटम्स होते हैं उसी पर डिपेंड करेगी। यानी कि जो बैलेंसी है किसी भी एलिमेंट की बैलेंसी किस पर डिपेंड करेगी, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल, यानी उसके बाहरी सबसेल के जो इलेक्ट्रॉन एटम होंगे उसी पर डिपेंड करेगी। यानी कि ये बैलेंस जो एलिमेंट्स हैं, बैलेंसी ऑफ एलिमेंट, जान लिया कोई भी एलिमेंट है, ठीक है, ऑक्सीजन का मान लो, इसके बाहरी सबसेल में दो इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है, आउटर मोस्ट सेल में, तो ये जो दो इलेक्ट्रॉन हैं वो डिपेंड करेगा कहाँ पर, यानी कि इसकी जो बैलेंसी है वो आउटर मोस्ट सबसेल के जो दो इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा, आउटर मोस्ट सेल के एटम पर डिपेंड करेगा। यानी कि ये होल थ्योरी अगर थोड़ा सा हम समझने का प्रयास करेंगे, देखिए द बैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट, यानी किसी भी एटम की, किसी भी एलिमेंट की, कोई भी एलिमेंट दिया गया है उसकी बैलेंसी वो जो है वो किस पर डिपेंड करेगी, जो उस एलिमेंट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे उनके आउटर मोस्ट सबसेल के एटम पर। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए दूसरे पॉइंट को देखते हैं। दूसरा पॉइंट है द इनर्ट गैसेस हैव कंप्लीट सबसेल, द इनर्ट गैसेस हैव कंप्लीट सेल्स, ठीक है, दैट इज दे हैव 8 इलेक्ट्रॉन इन दियर बैलेंस सेल। यानी कि जो इनर्ट गैस हैं इनके पास कंप्लीट सेल होता है, ठीक है, और इनके पास कितने नंबर होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 8 होते हैं, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई इनर्ट गैस के बारे में। चलिए तो ये था इंट्रोडक्शन, इसमें हमें ये सारी चीज़ें पढ़नी है, अब स्टार्ट करते हैं। देखिए ये फैक्ट्स जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, अगर आपके एग्ज़ाम में रिजोनेंस का शार्ट नोट लिखना रहेगा तो आप लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, आप लोग को यहाँ से स्टार्ट करना है इंट्रोडक्शन से। तो आप लोग को इंट्रोडक्शन नहीं लिखना है, आपको आंसर डालना है और लिखना है द इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी वाज बैलेंसी वाज गिवन ओरिजिनली बाय कौसल एंड लुईस इन 1961। उसके बाद में रिजोनेंस स्ट्रक्चर का आपको डेफिनेशन देना है, ठीक है, तो ये सारा PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा समझते हुए चलते हैं, थोड़ा अब रिजोनेंस के बारे में बात करते हैं कि आखिर में अनुनाद क्या होता है, व्हाट इज रिजोनेंस, अनुनाद क्या है। तो अनुनाद के बारे में, ठीक है, अनुनाद के बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए अनुनाद क्या है, कार्बनिक अणु को प्रायः संयोजकता बंध सूत्र से, यानी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के स्ट्रक्चर द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। देखिए कोई भी कार्बनिक अणु है उसको प्रायः कोवेलेंट यानी संयोजकता बंध सूत्र से, जो संयोजकता बंध सूत्र होता है वो कहाँ पर डिपेंड होता है, वो किस पर डिपेंड करता है, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो जो कार्बनिक अणु को प्रायः संयोजकता बंध जो है, यानी सूत्र जो है, बंध का जो सूत्र है वो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के स्ट्रक्चर द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यह सूत्र उस कार्बनिक अणु के जो फार्मूला होगा वो क्या करेगा,
वो जो फार्मूला है वो कार्बनिक अणु के समस्त तरंगों एवं गुणों का स्पष्टीकरण करता है, ठीक है। इसी को हम अनुनाद के अंतर्गत देखते हैं। आपको देखिए अनुनाद की क्रिया में होना क्या है, अनुनाद की क्रिया में यही बताया जाता है कि कोई भी एलिमेंट है उसके विभिन्न स्ट्रक्चर हो सकते हैं, उसके विभिन्न स्ट्रक्चर, विभिन्न लुईस स्ट्रक्चर हो सकते हैं, ठीक है। यही घटना क्या कहलाती है, अनुनाद कहलाती है। अब थोड़ा सा हम अनुनाद की डिफिनेशन देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल CO2 की बात की जाए, फॉर एग्जांपल CO2, ठीक है, CO2। अब इसको हम देखिए CO2 को आप कितने प्रकार से लिख सकते हैं, देखिए C(OOC), और अगर हम इसे लिखना हो, ठीक है, अगर हमें इस तरह से लिखना है तब भी हम इसको लिख सकते हैं। चलिए अभी हम आपको लिख करके ये सारी चीज़ें समझा रहे हैं, ठीक है। तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर के बारे में इतनी बातें स्पष्ट हो गई हैं। अगर आपको हिंदी में समझना है तो आपको समझना क्या है कि देखिए कार्बनिक अणु को प्रायः संयोजकता बंध सूत्र यानी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यह सूत्र उस कार्बनिक अणु के समस्त तरंग एवं गुणों की स्पष्टीकरण करता है, ठीक है। अब हम एग्जांपल देख लेते हैं इसका। चलिए अब डेफिनेशन की बात करते हैं, उसके बाद में हम एग्जांपल देखेंगे। अब आपको डेफिनेशन लिखनी कैसे एग्जाम में, आपको एग्जाम में क्या लिखना है, इंग्लिश में ही आपको आंसर राइटिंग करनी है। आप लोग क्लियर कर लीजिए, आपको इंग्लिश में लिखना है, ठीक है। चलिए इंग्लिश में क्या लिखेंगे, रिजोनेंस इज ए मेंटल एक्सरसाइज, रिजोनेंस इज ए मेंटल एक्सरसाइज विद इन द बैलेंस बॉन्ड थ्योरी ऑफ बॉन्डिंग दैट डिस्क्राइब द डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देखिए आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए, अभी मैं इसकी हिंदी, देखिए नीचे ये दिया गया है ना इसकी हिंदी, तो हिंदी में भी समझाने का प्रयास करूँगा और आपके समझ में आ जाएगा, ठीक है। आप लोग समझिए, अब देखिए रिजोनेंस इज ए मेंटल एक्सरसाइज, आप लिखेंगे क्या, लिखेंगे कि रिजोनेंस इज ए मेंटल एक्सरसाइज विद इन द बैलेंस बॉन्ड थ्योरी ऑफ बॉन्डिंग दैट डिस्क्राइब द डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, विद इन मॉलिक्यूल्स, किसमें, विद इन मॉलिक्यूल्स, इट इन्वॉल्व्स द कंस्ट्रक्शन मल्टीपल लुईस स्ट्रक्चर, यानी कि इनमें कितने, यानी कि इनमें मल्टीपल लुईस स्ट्रक्चर जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, यानी रिजोनेंस के कंस्ट्रक्शन में मल्टीपल लुईस स्ट्रक्चर क्या होते हैं, भाग लेते हैं, और मल्टीपल लुईस स्ट्रक्चर को ही समझना है हमें रिजोनेंस में यानी अनुनाद की क्रिया में, ठीक है। दैट व्हेन द कंप्लीटेड रिप्रेजेंट द फुल इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। किसी तरह से आपको इसका आंसर लिखना है, आगे हिंदी में समझ लेते हैं, ठीक है। चलिए हिंदी में समझते हैं अनुनाद। अब आप क्या लिखेंगे, अनुनाद एक मानसिक व्यायाम है, क्या है, एक मानसिक व्यायाम है जो बंध के संयोजकता बंध सिद्धांत के साथ, संयोजकता बंध सिद्धांत के साथ अणुओं के भीतर इलेक्ट्रॉन का निरूपण करता है, क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करता है, जिसमें लुईस संरचना के बहुत सारे निर्माण शामिल हैं। इसमें आपको लुईस, देखिए रिजोनेंस यानी अनुनाद में आपको देखना क्या है, आमतौर पर आपको जो इसका मेजर टॉपिक देखेगा उसमें यही देखना है कि जो इसमें लुईस स्ट्रक्चर यानी लुईस संरचना के जो गुण निरूपण करते हैं, जो गुण शामिल हैं वो किस प्रकार से हैं और कितने प्रकार से लुईस स्ट्रक्चर बनते हैं और इनका कारण क्या है, यही अनुनाद में पढ़ना है, ठीक है। तो अनुनाद आपको अगर लिखना है, अगर कोई पूछे आपसे अनुनाद क्या होता है तो आप क्या बताएंगे, अनुनाद एक मानसिक व्यायाम है जो बंध के संयोजकता बंध सिद्धांत के साथ अणुओं के भीतर इलेक्ट्रॉन का निरूपण करता है, जिसमें लुईस संरचना के बहुत सारे गुण शामिल हैं, जब वे जुड़ते हैं
जब वो आपस में जुड़ते हैं तथा अणुओं के संपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक संरचना को प्रदर्शित करते हैं। देखिए, जो लुईस स्ट्रक्चर होते हैं, जो लुईस संरचना होते हैं, उनमें बहुत सारे निर्माणकार शामिल होते हैं। जब वे आपस में जुड़ जाते हैं तो अणु के संपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक संरचना का प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि जो कोई भी एलिमेंट्स है, कोई भी थ्योरी जो है, वो उस एलिमेंट की कंप्लीट यानी कि पूर्ण संरचना नहीं व्यक्त कर पाती है, और उनके कंप्लीट संरचना को हम रिजोनेंस स्ट्रक्चर में प्रदर्शित किया जाता है। और रिजोनेंस स्ट्रक्चर में बैलेंस बांड थ्योरी की मदद से हमको ये देखने को मिलता है कि एक एलिमेंट के विभिन्न स्ट्रक्चर हो सकते हैं। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई। चलिए आगे एग्जाम्पल को देखते हैं, तब आपके काफ़ी समझ में आ जाएगा। देखिए, समटाइम्स इट इज नॉट पॉसिबल टू रिप्रेजेंट ए मॉलिक्यूल बाय ए डिफाइनेशन इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर। देखिए, कभी कभी क्या होता है कि किसी भी मॉलिक्यूल की, चलिए थोड़ा एग्जांपल के माध्यम से हम समझते हैं कि रिजोनेंस स्ट्रक्चर किस प्रकार से बनते हैं और इसका एग्जांपल किस प्रकार से होगा। देखिए, फॉर एग्जांपल, CO2 मे बी रिप्रेजेंट बाय द फॉलोइंग रिजोनेंस इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर प्रदर्शित कर सकता है, इलेक्ट्रॉनिक संरचना बना सकता है, और वो किस प्रकार से बनता है इसको हम देखने का प्रयास करेंगे। देखिए, पहला स्ट्रक्चर ये है, दूसरा ये और तीसरा ये। अब एक एक करके हम समझते हैं कि कैसे बनता है। ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड ओ, आपको पता है कि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, चार होती है, दो इधर चार कंप्लीट है। और ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो दो कंप्लीट है ना। देखिए, दो और ये दो, अगर इस पे दो दो चार दो छः दो आठ, आठ इसका ऑक्टेट कंप्लीट, आठ इसका ऑक्टेट कंप्लीट, तो ये पहला स्ट्रक्चर हो गया। दूसरे स्ट्रक्चर की बात किया जाए, दूसरा स्ट्रक्चर का इस तरह से है, सी माइनस चार्ज सिंगल बॉन्ड, सी देखिए ओ, सी ट्रिपल बॉन्ड और सी प्लस चार्ज। ठीक है, ये दूसरा स्ट्रक्चर। तीसरा स्ट्रक्चर आपको बताना है, कार्बन पर प्लस चार्ज दे देंगे और यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड लगा देंगे। देखिए, कार्बन की बैलेंसी पूर हो रही है, एक दो तीन और एक चार, एक दो तीन और यहाँ पर प्लस चार्ज लगा है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है। तो क्या करेंगे, देखिए जब भी डबल बॉन्ड लगा रहे हैं तो इसमें एक बॉन्ड क्या होता है, सिग्मा होता है और एक बॉन्ड पाई बॉन्ड होता है, तो सिग्मा बॉन्ड का यहाँ पर क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो इतनी चीज़ समझ में आ गई। चलिए, अब रिजोनेंस स्ट्रक्चर, आप ओजोन का रिजोनेंस स्ट्रक्चर देख लेते हैं, यानी O3 का रिजोनेंस स्ट्रक्चर किस प्रकार से बनेगा। तो ये बनेगा O डबल बॉन्ड O, यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर इसके दो इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर एक दो दो चार दो छः, दो दो चार और दो छः, इस प्रकार से ओजोन का रिजोनेंस स्ट्रक्चर बनता है। दूसरा स्ट्रक्चर देख लेंगे। देखिए, इन सब का PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको आंसर राइटिंग करनी है। आपको ओजोन का मैंने स्ट्रक्चर बना दिया है, स्ट्रक्चर आप लोग समझ लेंगे। इसके आउटर मोस्ट सबसेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो कंप्लीट होने चाहिए। देखिए, यहाँ पर दो दो चार दो छः, छः इलेक्ट्रॉन है ना, और दो ये आठ, इसकी इसका जो सबसेल है वो कंप्लीट हो रहा है आठ से। और इसका ऑक्सीजन का, देखिए कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, कार्बन की वैलेंसी आप लोग को ध्यान रखना है, तो कार्बन इसमें है नहीं, ऑक्सीजन दिया गया है। कार्बन की वैलेंसी हमेशा चार होती है, ऑक्सीजन की कितनी वैलेंसी होती है, लास्ट सबसेल में दो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो दो इसमें देखना है, दो दो चार और दो छः, इसका कंप्लीट हो गया, इसका दो दो चार और ये दो छः, इसमें देखेंगे दो दो चार दो छः, दो दो चार दो छः। ठीक है, तो इसकी बैलेंसी कंप्लीट है, आगे ध्यान देंगे। चलिए, तो इस प्रकार से रिजोनेंस स्ट्रक्चर बनते हैं। अब हम बात करें रिजोनेंस एनर्जी की। रिजोनेंस एनर्जी क्या होती है, चलिए हम शॉर्ट फॉर्म में लेकर चल रहे हैं, तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा, थोड़ा फास्ट सिलेबस को खींचना है, क्योंकि हर टॉपिक को मैं आपको शॉर्ट नोट बना करके और दे दूँ ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छा नंबर पा सकें। ठीक है मित्रों, तो आप लोग आंसर राइटिंग इसी तरह से करेंगे। कल की क्लास में मैं साल पेपर लेकर के आऊँगा, उसके बाद में जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं उनको हम डिस्कशन करेंगे। चलिए, रिजोनेंस एनर्जी क्या है, तो रिजोनेंस एनर्जी का डिफिनेशन किस प्रकार से आपको लिखना है, ये एक नंबर में पूछा जाता है। रिजोनेंस एनर्जी एक नंबर क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, जिसमें आपको लगभग
50 वर्ड लिखने रहते हैं, लेकिन आपको 50 वर्ड नहीं कंप्लीट करना है, आपको सटीक डिफिनेशन लिखना है। ठीक है मित्रों, चलिए। यानी अनुनाद ऊर्जा क्या है, अनुनाद ऊर्जा क्या है। देखिए, रिजोनेंस एनर्जी इज डिफाइंड एज द डिफरेंस इज एनर्जी बिटवीन द एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ एंट्री एंड द मोस्ट स्टेबल ऑफ हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, अब आपको हिंदी में समझा देते हैं। देखिए, जो वास्तविक अणु की संरचना होती है, यानी कि रिजोनेंस अनुनाद एनर्जी की जो उनके अणुओं की वास्तविक संरचना तथा न्यूनतम ऊर्जा वाली काल्पनिक संरचना की जो उनकी ऊर्जा होती है, उनके अंतर को हम क्या कहते हैं, अनुनाद ऊर्जा कहते हैं। देखिए, अनुनाद ऊर्जा वास्तव में जो अणु की संरचना होती है, यानी कि जैसे मैंने बताया था ना, अणु की संरचना, ठीक है, ये रही। अब वास्तव में जो अणु की संरचना है, तो उनमें न्यूनतम ऊर्जा वाली, जिनमें न्यूनतम ऊर्जा वाली काल्पनिक संरचना जो है, यानी सिग्मा और पाई बांड का डिलोकलाइजेशन जो है, वो क्या करेगा, उस संरचना के ऊर्जा के अंतर, यानी कि इनमें जो ऊर्जा का डिफरेंस, इन दोनों में जो ऊर्जा का डिफरेंस आएगा, उसके बीच में जो डिफरेंस निकलेगा, वो क्या कहलाएगा, वो अनुनाद ऊर्जा कहलाएगा। ठीक है, तो रिजोनेंस स्ट्रक्चर से, यानी रिजोनेंस एनर्जी से आप वाकिफ हो गए, क्या होती है अनुनाद ऊर्जा। अनुनाद ऊर्जा, रिजोनेंस एनर्जी इज डिफाइंड एज डिफरेंस इज एनर्जी बिटवीन द एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ द एंट्रीज एंड मोर स्टेबल ऑफ हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, चलिए थोड़ा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न एक नंबर में रिजोनेंस एनर्जी से पूछे जाते हैं। देखिए, क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक्सप्लेन द 3 carbon oxygen बॉन्ड लेंथ आर इक्वल इन CO2 CO3 2- आयन। ठीक है, इस प्रकार से देखिए, क्वेश्चन को ध्यान से आप लोग पढ़ेंगे, इसी प्रकार के क्वेश्चन एक नंबर में पूछे जाते हैं। ठीक है, पूछा गया है कि एक्सप्लेन करिए जो कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड जो है, उनकी बॉन्ड लेंथ जो है, उनमें जो 3 carbon oxygen जो होते हैं, उनकी जो बॉन्ड लेंथ है वो इक्वल किसके होती है, यानी CO3 2- आयन का आपको निकालना है रिजोनेंस एनर्जी, आपको बतानी है किस प्रकार से आप डिफाइन करेंगे। तो आप लिखेंगे क्या आंसर में, आंसर आपको क्या लिखना है, द स्ट्रक्चर ऑफ CO3 2- आयन में बी रिप्रेजेंटेड, यानी इस प्रकार से जो रिजोनेंस स्ट्रक्चर है वो प्रदर्शित किया जाता है, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड सी, एक यहाँ पर -4 और एक सिंगल बॉन्ड यहाँ पर -4, ये हो गया CO3 2- चार्ज का स्ट्रक्चर। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को आप ध्यान से समझ लेंगे, इस आपको बनाना कैसे है। ऑक्सीजन देखिए, डबल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड O- O-, देखिए। ठीक है, तो ये हो गया लुईस स्ट्रक्चर। अब आपको लिखना आगे क्या क्या है, आपको लिखना आगे कैसे है उसको आप समझ लीजिए। आप लिखेंगे द स्ट्रक्चर शो डिफरेंस कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ, यानी कि ये जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ प्रदर्शित करता है, लेकिन जो 3 bond length हैं वो इक्वल रहेंगे। लेकिन उसका कारण क्या है, उसका कारण है रिजोनेंस हाइब्रिड ऑफ द फॉलोइंग 3 structure। ठीक है, तो इसका 3 structure आखिर में बनेगा कैसे, इसको हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। तो इनका तीनों स्ट्रक्चर में बनाने का प्रयास करता हूँ। चलिए देखिए, ये बनेगा ऑक्सीजन डबल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड ओ माइनस चार, सिंगल बॉन्ड ओ माइनस चार, ये हो गया पहला। ठीक है, अब आपको दूसरा बनाना है, तो आप दूसरा कैसे बनाएंगे, दूसरा बनाएंगे आप ऑक्सीजन जो ये माइनस चार्ज था, इसको आप यहाँ पर ले लीजिए, सिंगल बॉन्ड लगा दीजिए सी, ट्रिपल बॉन्ड, वही सेम फार्मूला जो मैंने आपको, देखिए यही है रिजोनेंस स्ट्रक्चर, यहाँ पर लगा दीजिए, देखिए सबसेल इसका कंप्लीट हो गया। अब तीसरा जो स्ट्रक्चर है इसका, तीसरा स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, तीसरा स्ट्रक्चर कैसे बनेगा,
तो तीसरा स्ट्रक्चर जो इससे है ये कैसे बनेगा, ऑक्सीजन को आपने यहाँ पर ले लिया, माइनस चार्ज लगा दिया, सिंगल बॉन्ड सी, और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर कर देंगे ट्रिपल बॉन्ड, और यहाँ पर लगा देंगे ऑक्सीजन। ठीक है, तो यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड नहीं लगेगा, यहाँ पर लगेगा सिंगल बॉन्ड। देखिए एक बार फिर से समझ लीजिए, क्योंकि ये स्ट्रक्चर पूछा जाएगा। ठीक है, तो आपको इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाना है, देखिए पूछा जाएगा CO3 टू माइनस चार्ज के कितने लुईस स्ट्रक्चर बन सकते हैं और ये कितने प्रकार से प्रदर्शित किया जा सकता है। तो ये कार्बन ऑक्सीजन को थ्री मेथड से डिफाइन किया जा सकता है। और अब इसको हम किस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे, देखिए जो पहला आपका बनेगा वो बनेगा ऑक्सीजन डबल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड। ठीक है, ये हो गया। दूसरा आपका कैसे बनेगा, दूसरा अब आपको करना क्या है, देखिए ऑक्सीजन जो ये माइनस चार्ज था ये वाला हिस्सा आपको यहाँ रख लेना है, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड सी, अब यहाँ पर आपको डबल बॉन्ड कर देना है और यहाँ से माइनस चार्ज हट जाएगा। ठीक है, और फिर ये माइनस चार्ज यहाँ पर दूसरा हो गया, ये दो बॉन्ड हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। तीसरा, अब तीसरा स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, देखिए ऑक्सीजन यहाँ पे माइनस चार्ज सिंगल बॉन्ड सी, और यहाँ पर अब हम कर देंगे सिंगल बॉन्ड और यहाँ पर कर देंगे डबल बॉन्ड। ठीक है, तो ये तीन प्रकार से यानी तीन तरह से प्रदर्शित किया जा सकता है रिजोनेंस स्ट्रक्चर को, और रिजोनेंस एनर्जी को इसी प्रकार से डिफाइन किया जाता है। अगर इस प्रकार से क्वेश्चन आता है तो आपको इसी प्रकार से डिफाइन करना है। ठीक है मित्रों, तो आज की क्लास में आपको कैसा लगा, और आपको ये नोट्स टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अगर आपकी क्लास आज की क्लास समझ में आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज की ये क्लास कैसी रही आपके लिए। ठीक है मित्रों, कल हम अगली क्लास में बात करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर जो आपके एग्जाम में आने वाली है, जैसे कि बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वेस्पर थ्योरी, हाइब्रिड पैरामीटर, इन सब के बारे में मैं कल की क्लास में डिस्कस करूंगा। ठीक है मित्रों, तो आज देखिए इसमें मैं आपको कंप्लीट नहीं समझा के चल रहा हूं, बस मैं इतना देने का प्रयास कर रहा हूं कि अगर आपका एग्ज़ाम नज़दीक है, वन मंथ आपके एग्ज़ाम में बचे हैं, ठीक है, तो वन मंथ में आपको होल सिलेबस रिवीजन करना है, क्योंकि अभी तक आप MCQ कर रहे थे, MCQ टाइप प्रश्नों पर लगे हुए थे कि आपका पेपर MCQ होगा लेकिन आपका पेपर रिटर्न होने वाला है, तो आपको दोनों मोड में तैयारी करनी होगी। ठीक है, तो MCQ वालों आप लोग प्रीवियस वीडियो को देखिए, और जिनका भी पेपर रिटर्न होने वाला कंफर्म हो गया है, देखिए 90% आपकी यूनिवर्सिटीज़ में पेपर आपका रिटर्न होगा। ठीक है, तो आप सभी लोग इस वीडियो को देखिए, और अपना रिवीजन मोड स्टार्ट हो चुका है, और आज ये पहली क्लास थी। अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे कुछ और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर, और टॉपिक बाई टॉपिक ख़त्म करने का प्रयास करेंगे। ठीक है मित्रों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। चैनल आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि क्लास का नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे।